subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज के नॉर्थ ईस्ट पर नजर एपिसोड में असम की एक वीरांगना के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिनका नाम है सोटी जॉयमोटी। असम की पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी स्टॉर्मी था बिटवीन 1671 टू 1681, उस टाइम के अहोम रूलर्स के अंदर। उस समय के अहोम राजा सुकाफा, जिनका लौरा राजा या यंग प्रिंस भी बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी। कहा जाता है कि सुकाफा को डर था कि उनसे पावरफुल कोई और उनके स्थान पर राजा ना बने, और इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने हर एलिजिबल प्रिंस को म्यूटिलेट कर दिया, क्योंकि अहोम रूल्स के हिसाब से कोई भी डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं होता है उस इंसान में जो राजा बने। सुकाफा को कंट्रोल करते थे उनके प्रधानमंत्री लालूखुला बोरफुकन, और ये काम उनके ही बोलने पे सुकाफा ने ऑर्डर किया था। इसी दौरान एक राजकुमार जो उस थ्रोन का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था उभर के आया। उनका नाम था गोदापानी और उनके बीवी का नाम था जॉयमोटी कुवोरी। गोदापानी सुकाफा के म्यूटिलेशन से बचने के लिए नागा पहाड़ भाग गए। बहुत ढूंढने के बावजूद भी जब गोदापानी नहीं मिले, तब उन्होंने जॉयमोटी से पूछा कि उनके पति कहाँ है। जॉयमोटी ने बताने से मना कर दिया। सुकाफा ने उन्हें 14 दिन तक टॉर्चर किया जेरेंगा पठार नाम की एक जगह में जो सिपसागर में है। सिपसागर अहोम राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उन्हें कटकड़ा नाम के एक पौधे से बांध दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी कांटेदार होते हैं। सोराट नाम के एक पौधे के पत्ते से उनको बार बार टॉर्चर किया गया, जो कि बहुत इच्छी भी होता है। इस वक्त पे जॉयमोटी प्रेग्नेंट भी थी। गोदापानी खुद भी आए और अपनी बीवी को बोला कि वो इतना टॉर्चर ना सहन करे और बता दे सब कुछ, पर जॉयमोटी अटल रही और कुछ भी नहीं बताया। 14 दिन के टॉर्चर के बाद जॉयमोटी की मृत्यु हुई 27 मार्च 1680 को। इसके लगभग एक साल बाद गोदापानी राजा बने और नाम लिया गदाधर हिंगो का। जॉयमोटी के चुप रहना बस अपने पति के लिए नहीं था, पर अपने राज्य के लिए भी था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सुकाफा अहोम साम्राज्य के लिए सही नहीं थे। अक्सर कहानियों में हम औरतों के योगदान के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन असम में उनको मान्यता दी गई है, और असम की सबसे पहली फीचर फिल्म भी उन्हीं पर बनी थी 1935 में। 1696 में जॉयमोटी के बड़े बेटे रुद्र हिंगो राजा बने और अपनी माँ की वीरता और सेक्रीफाइस की याद में एक तालाब खुदवाया उसी जगह जहाँ जॉयमोटी को टॉर्चर किया गया था। उस तालाब का नाम है जॉय हगन, और उसी के बैंक पे है जॉय डोल या मंदिर। हर साल 27 मार्च को जॉयमोटी कुवोरी की याद में सोटी जॉयमोटी दिवस भी मनाया जाता है असम। नॉट इस पर नज़र का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।